पत्रिका। आहोर कस्बे में बड़वा कृषि कुएं के पास से गुजर रहे सुकड़ी नाले के अतिक्रमण को हटवाने व रहवासी मकानों की सुरक्षा करवाने को लेकर टी मोहल्ले वासियों ने जिला कलेक्टर निशांत जैन के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कस्बे के बीएसएनएल टावर के समीप बड़वा कृषि फार्म के समीप कई वर्षों से सुकड़ी नाला स्थित है। सुकड़ी नाला करीबन 65 फीट चौड़ा बना हुआ है। नाले के आसपास वार्ड संख्या 17 व 20 के आंवलावास मोहल्ले के समीप स्थित है। उक्त नाले में गुड़ा बालुतान चरली सहित आसपास के गांव का बरसाती पानी का बहाव क्षेत्र कई वर्षों से है। उक्त नाले पर ग्राम पंचायत की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी प्लॉट काटने के साथ उप पंजीयन कार्यालय आहोर में पंजीयन करवा चुके हैं। उक्त सुकड़ी नाले में निर्माण कार्य होने से नाले की चौड़ाई नहीं के बराबर हो चुकी है। दो दिन पूर्व हुई बारिश का पानी करीबन 15 फीट तक बहना शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश होने से बरसाती पानी का बहाव तेज होने से वार्ड 17 व वार्ड 20 के मोहल्लों में पानी घुस गया। बरसाती पानी घुसने से मकानों की दीवारों व नींव में दरारें भी आईं। पानी जमा होने की सूचना प्रशासन को देने के बावजूद प्रशासन द्वारा सुध तक नहीं ली गई। ज्ञापन देने के दौरान राजू सिंह, भवर सिंह, इंद्र सिंह, श्रवण सिंह, ताराराम व सोहन सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए इस हालात से आखिर इनसे जानते हैं क्या हालात रहे हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है इनको, इनसे जानते हैं। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैंने सर बागी रात पानी में बैठा रहा नानी तरीका थे बाजू में उनको जहाँ फंसा फंसे बाजू में किया। बिल्कुल यही सर, पूरा घर गिर इधर में नौकरी पानी में तो ठीक है, पानी पूरा मुकाम में पूरा घर पूरा फट रहा है। जी 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 हैंग पूरा नुकसान है, नुकसान है फुल। देखे आपको बता दें कि इस तरह के हालात थे, पानी लगभग 3 से 4 फुट मकान के अंदर ऊपर की ओर चढ़ गया था, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ है लोगों को। पूरा मकान है जो को क्षतिग्रस्त हो गया है। आखिर अब तक प्रशासन इनकी सुध लेने के लिए यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? पूरा पानी से पूरा बिल्कुल पूरा एकदम पूरा एकदम घर में पानी बढ़िया दोटा दीजा है। देखा वो देख ले यहाँ पानी का बहुत वेग, तेज वेग से पानी यहाँ बह रहा था, इसके कारण लोगों ने यहाँ घरों के बचाव के लिए रेती के ढेर लगा दिए हैं। मकान में पानी आया सब उड़ेंगे आगे उन्होंने पतरा पतरा से भेंगे सब पूरा पतरा उड़िया। देखिए हम घर के भीतर लेके चलते हैं किस तरह से नुकसान हुआ है इनको। गरीब पीड़ित परिवार है और तो यहाँ से पूरा फटा ही है। तेज पानी के भाव से पूरा आंगन क्षतिग्रस्त हो गया है और आप देख ले ये इस तरह से नजारा, पूरा मकान दब चुका है। फट चुका पूरा और ये देखो यहाँ पे पूरा खड्डा पड़ा है, अंदर पूरा पानी अंदर गया है। देखिए आपको नजारा बताते हैं किस तरह से घर में पानी अंदर आया है, अंदर की साइड से 2 फीट पानी चला है यहाँ पे, पूरा बह के चला गया है यहाँ पे, सब सामान पड़ा था। पानी के वेग से कारण ये मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, इसकी नींव जो है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गई है। कब यह मकान गिर जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, आखिर इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? कोई नहीं आया अभी तक। क्या यहाँ मौजूद में कोई प्रशासन या आला अधिकारी पहुँचे थे? कोई नहीं आया अभी तक, पानी आके भी। देखिए तीन दिन का समय गुजर, लंबे समय गुजरने के बाद भी प्रशासन अभी तक इनकी सुध लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है। ये हालात है आहोर के प्रशासन की, आखिर इनकी गरीब परिवार की सुनेगा कौन? देखिए ये मूर्तियों का व्यवसाय करके अपना गुजारा कर रहे थे, काफी पानी यहाँ मकान में घुसा था, मकान इनका झोपड़ा है जो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ कितना पानी था लगभग? इतना पानी। और आपको क्या नुकसान हुआ है अभी तक? मेरा तो खाने पीने का सारा बर्तन गया,
सारा पैसा भी गया मेरा, सारा ताजा सारा गया, मूर्ति भी गई, सब गया, कम से कम 4-3 लाख का नुकसान हो गया मेरे। अभी तक प्रशासन यहाँ पहुँची है कोई? अभी कोई नहीं मिला हमको, कुछ नहीं, हम तो उधर रहते थे, भग गए तो पानी आया तो सारा भग गया, सारा छोड़ दिया, तम्बू मजू सारा टूट गया है, देखो मजू, देखो गाबर है मजू। जैसे आपको हालत बताते हैं, देखिए ये इनको नुकसान हुआ है, झोपड़े में रहते हैं, अपना मैं तो गरीब हूं, ठीक है, ये अपना मूर्ति बेच के अपना घर गुजारा चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरपंच या चेयरमैन कहे तो यहाँ अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुँचा है। हालात इस तरह से है, बयान करते हैं कि आखिर इनकी गरीब परिवार की सुनेगा कौन। देखिए हमारी टीम अब हालात के बारे में जानेंगे महिलाओं से, आखिर यहाँ कितना पानी था, किस तरह से आप घर के अंदर थे या घर से बाहर? पानी सर था, पानी सर, ये बता रहे पानी सर के ऊपर था, बच्चा लेकर हम दौड़ते बाहर निकले, दीवार पड़ गई, जी जी जी, घर पड़ गया, सब सामान सब भाग गया। देखिए अपना दुख किसे बताए, आखिर प्रशासन यहाँ नहीं पहुँची है, आखिर गरीब परिवार दुख किसे बताए, कौन इसके इनके हालात समझेंगे पीड़ित परिवार के? प्रशासन अभी तक यहाँ कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, देखिए हालात बता रहे अभी भी आपको लाइव बता रहे, इतना बड़ा परिवार है, इनके खाने के तक के निवाले भी नहीं है इनके पास, सब दब गया, काफी इनको नुकसान झेलना पड़ा, पशु पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, इनको भी क्या खिलाए क्या पिलाए अब कुछ नहीं है। देखिए अहोर के उपखंड क्षेत्र में बारिश के कारण तेज वेग से पानी बह रहा था, क्या हालात हुए है, परिवार पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, आखिर प्रशासन अभी तक यहाँ जायजा लेने क्यों नहीं पहुँचा है? सीधा ही जानेंगे पीड़ित परिवार से, यहाँ लगभग कितना पानी बह रहा था? सिर से ऊपर जी, और कितने परिवार का यहाँ निवास है? 4-5 परिवार इस घर में रहते थे जी जी, अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पहुँची है? 3 दिन हुआ कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरपंच भैया कोई नहीं आया। सीधे देखिए ये परिवार की स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मकान में रह रहे थे, पानी का वेग बहुत तेज गति से होने के कारण ये घर छोड़ के बाहर निकल गए, उसके बाद ये पूरा मकान गिर गया, जिसको क्षतिग्रस्त हालत में आपको हमारी टीम बता रही है, और प्रशासन अभी तक इनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा कि उपखंड क्षेत्र अहोर में इस तरह से मकान गिरे, लेकिन अभी तक प्रशासन यहां पहुंचा ही नहीं है, प्रशासन बड़े बड़े दावे करते हैं। नमस्कार मित्रों, गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रिक मीडिया से मैं हूं एस रावण राजपूत। प्रशासन और यहाँ के हालात देखते हुए मामला ये क्या है पूरा जानेंगे ग्रामीणों से। हमारी टीम गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंची हुई है हालात जानने के लिए अहोर में, कहां कहां नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है बारिश के कारण और ये चक्रवात के कारण, कितना पानी था, क्या था, ये पूरी जानकारी इनसे पूछते हैं, आखिर क्या मामला था, यहां कितना पानी था? बहुत पानी है, 10 फुट ये बता रहे 10 फुट पानी था लगभग, इनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, आगे खाने के इनके निवाले भी पड़ रहे हैं, पूरा बता रहे हैं आपको नजारा। गरीबों का सहायता, देखिए प्रशासन बड़े बड़े दावा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, लेकिन इनको किसी तरह से इनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। सरपंच कुछ नहीं करता, हमारे गरीबों का नहीं करता, सरपंच का घर सारा मौका देख देख तोड़ दिया। देखिए हमारी टीम जो यहाँ के हालात देखने पहुंची है गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, देखते हैं ये मकान किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, आखिर प्रशासन इनकी सुध लेने तक अभी तक नहीं पहुंचा है। सीधे ही जानेंगे इनसे क्या था मामला, कितना पानी था, यहाँ कितना पानी था? इतना लगभग पानी ये बता रहे सर से ऊपर था, और इनके देख लो ये मकान की स्थिति, 7 फुट था, हाँ मकान की स्थिति ये देख लो, इनके अभी खाने पीने के भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पूरा ये मकान है क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है। हमारी टीम लगभग पहुंच रही है हर जगह, कोशिश कर रही है हालात जानने के लिए, क्या हालात हैं अहोर के।
देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, बाकी हताहत कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, क्योंकि बच्चे घर छोड़ के कहीं बाहर निकल गए थे जिसके कारण इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन मकान है जो क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है। और भी बता दे आपका दृश्य बता रहे हैं हमारी टीम की ओर से। दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम हमारे यहाँ जायजा लेने पहुंची है और के उपन क्षेत्र में किस तरह से, देखिए चार पांच परिवार यहाँ निवास कर रहे थे, किस तरह से पूरा मकान इनका क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है, ये सीधा ही आपको बता रहे लाइव कवरेज।